आज हमारे पास एक चाइना का एक फ़ोन जो कि टेक्टो कंपनी का है और ये डेड है और डीसी पर इस पे कोई भी रीडिंग नहीं आ रही है, किसी भी तरह की बूटिंग नहीं ले रहा है और पावर स्विच दबाने पर किसी भी तरह का कोई भी इसमें वाइब्रेशन वगैरह नहीं हो रहा है। तो जैसे आप देख रहे हैं कि इसका जो ग्लास है ऊपर का टच का जो ग्लास है वो डैमेज है, टूटा हुआ है, ड्रॉप डाउन केस है यानी कि फेंक दिया या गिर गया है जिसकी वजह से टच वगैरह डैमेज हो गई है। तो इस केस में ज़्यादातर पावर आईसी की दिक्कत होती है। तो आज के वीडियो में देखेंगे किस तरह से इसको रिपेयर किया गया है, लेकिन उससे पहले हम जाली वगैरह हटा करके देख लेते हैं। और जाली वगैरह हटा करके माइक्रोस्कोप में माइक्रोस्कोप व्यू देखना बहुत ज़रूरी होता है कि कोई कंपोनेंट जल तो नहीं गया है या कोई कंपोनेंट वाटर डैमेज तो नहीं है। तो जालियाँ वगैरह हटाना बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर मैं हीट यूज़ कर रहा हूँ 350C और एयर है 1, SMD है KT850A+। तो यहाँ पर मैं शील्ड को निकाल रहा हूँ और फिर माइक्रोस्कोप व्यू में इसको देखेंगे कि कोई कंपोनेंट जला तो नहीं है या कोई कंपोनेंट टूट तो नहीं गया है। कोई ड्रॉप डाउन केस जो होते हैं उसमें ज़्यादातर ऐसा होता है कि पेस्टेड आईसियाँ होती हैं या कंपोनेंट जो होते हैं ना उसके आसपास कंपोनेंट टूट जाते हैं, हट जाते हैं, लेकिन पेस्ट की वजह से ऐसा लगता है कि जैसे वो हटे नहीं हैं और वो टूटे हुए होते हैं। और कुछ वीडियो मैंने बनाई भी थी, आपने देखी होंगी। तो यहाँ पर पावर आईसी नहीं थी, कुछ थोड़े बहुत ही कंपोनेंट थे। अब हम बैक साइड इसका जो शील्ड है वो निकाल रहे हैं। यहाँ पर मैं दोबारा बता दूँ, डीसी मशीन के अंदर किसी भी तरह की कोई बूटिंग नहीं ले रहा है और ये सेट डेड है, पावर ऑन नहीं है। तो बैक साइड यहाँ पर सीपीयू ईएमसी वगैरह लगा हुआ होगा, साथ ही पावर आईसी भी लगा हुआ है यहाँ पर। और बैक साइड बिल्कुल फ्रेश है, मदरबोर्ड में कोई भी काम नहीं किया गया है और वाटर डैमेज भी नहीं है और कहीं से भी शॉर्टिंग का भी कोई निशान नज़र नहीं आया। तो यहाँ पर मैंने शील्ड निकाल ली है, आप देख सकते हैं पावर आईसी, सीपीयू और ईएमसी तीनों एक ही जगह लगी हुई हैं। और अब हम पेस्ट वगैरह साफ़ कर लेते हैं। साफ़ करना इसलिए ज़रूरी है, आईसी का डायरेक्शन वगैरह यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, साथ ही कोई कंपोनेंट डैमेज तो नहीं है वो भी देखने को मिल जाएगा। माइक्रोस्कोप का व्यू मैंने नहीं दिखाया वीडियो में और ना ही मैंने डीसी रीडिंग दिखाई है क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और मैंने वीडियो की स्पीड भी थोड़ी फास्ट फॉरवर्ड कर रखी है। यहाँ पर यह है मीडियाटेक की MT6357 MRV पावर आईसी जो कि MI के फ़ोन में भी आती है, ओप्पो रियलमी के भी फ़ोन में आती है ये, और ये पावर आईसी है और बूटिंग ना लेने की वजह यही आईसी है। पहले इसको हम रिवॉल्व करके देखेंगे, अदरवाइज़ वर्क नहीं करती है तो चेंज भी करके देखना पड़ता है इस आईसी को। और अगर चेंजिंग से भी नहीं होता है तो फिर हम सीपीयू की तरफ जाएंगे। आईसी निकालने के लिए मैंने यहाँ पे यूज़ किया 350C हीट और एयर है 1 और आप देख सकते हैं कोई भी पैड डैमेज नहीं हुआ है, पावर आईसी निकल चुकी है। अब हम पेस्ट फ्लक्स पेस्ट लगा करके पैड को साफ़ करेंगे। मैं मैकेनिक कंपनी का UV559 फ्लक्स पेस्ट यूज़ करता हूँ और ये मैकेनिक कंपनी का शोल्डर विक है R300। आयरन में यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पर OSS टीम का T12X, इसकी हीट कर रखी है मैंने 350C। अब हम यहाँ पे मैकेनिक पीसीबी क्लीनर से इसको साफ़ करेंगे। आप देख सकते हैं पैड पूरी तरह से साफ़ हो चुके हैं, किसी भी बॉल के ऊपर शोल्डर नहीं है। अगर शोल्डर यहाँ रह जाता है तो क्या होता है कि आईसी लगाने पर सही से बैठ नहीं पाती है, इसलिए इसको अच्छे से क्लीन करना ज़रूरी होता है। हम आईसी को भी फ्लक्स पेस्ट लगा करके साफ़ कर लेंगे। हीट मैंने 350C रख रखी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आईसी पूरी तरह से क्लीन हो गई है। अब हम इसको रिवॉल्व करेंगे। यहाँ पर मैं अमोई कंपनी का इंस्टेंसिल यूज़ कर रहा हूँ जो कि लगभग 1 साल पुराना है और अभी भी चल रहा है, बहुत अच्छी क्वालिटी का होता है ये यूनिवर्सल इंस्टेंसिल अमोई कंपनी का। यहाँ पर मैं 183C शोल्डर पेस्ट यूज़ कर रहा हूँ मैकेनिक कंपनी का और रिबॉलिंग के लिए 250C हीट यूज़ करेंगे यहाँ पर।
और एयर है वन, एयर कम से कम ही रखी जाती है। और ये छोटी हल्की टाइप की लोकल टाइप की असेंबली मशीन है, और जो अलग जैसे कि सुगुन की होती हैं या बड़े ब्रांड की जो असेंबली मशीन होती हैं उसमें थोड़ा सा एयर जो होता है वो अलग सेटिंग होती है। कंपोनेंट उड़े ना इतनी एयर रखनी होती है हीट बाहर निकल के आ जाए। तो मेरी जो असेंबली मशीन है वो वन पे इतना ही एयर दे देती है कि हीट नीचे आ जाती है, कोई भी कंपोनेंट उड़ता नहीं है। तो यहाँ आप देख सकते हैं आईसी की बॉल बन चुकी है। अब हम इसको साफ़ कर लेते हैं। अगर कोई भी बॉल छोटी बड़ी नज़र आती है तो उसको स्टेंसिल रख के ब्लेड से काट लेते हैं। और ये छोटी सी आईसी है, आराम से रिवॉल्व हो जाती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सीपीयू वगैरह में ऐसी दिक्कत आती है कि कोई छोटी बॉल हो गई, कोई बड़ी हो गई, तो उसको सेट किया जाता है, एक बार में रिवॉल्व नहीं हो पाता है सीपीयू। अब हमने फ्लैक्स पेस लगा के इसकी बॉल को लेवल कर लिया है, एक बार से फिर से साफ़ करेंगे इसको। तो आप देख सकते हैं आईसी रिवॉल्व हो चुकी है, बॉल है सारी बन चुकी है अच्छे से। अब हम इसको इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के लिए फ्लैक्स पेस लगाएंगे, थोड़ा सा फ्लैक्स पेस लगाना होता है। अब ज़्यादा लगाएंगे तो आईसी तैरने लगेगी, थोड़ा सा फ्लैक्स पेस लगाएंगे बस। और ये फ्लैक्स पेस्ट की जो टेस्टिंग होती है बहुत ही अच्छी होती है, कभी भी सेट रिटर्न होकर नहीं आता है। कुछ लोगों की शिकायत होती है, सर हम आईसी लगा देते हैं, रिवॉल्व कर देते हैं, कुछ समय बाद महीना 2 महीने बाद फ़ोन वापस आ जाता है उसी कंडीशन में। तो ऐसा इसलिए होता है कि आप अच्छी कंपनी का फ्लैक्स पेस्ट यूज़ नहीं करते हैं। ये फ्लैक्स पेस्ट जो होता है ग्लू की तरह वर्क करेगा, जब ये सूख जाता है तो इतना हार्ड हो जाता है कि आईसी बिल्कुल पेस्टेड हो जाएगी, बहुत हार्ड हो जाता है। इसके अंदर जो रोजिन पेस्ट है वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होता है। तो हमारी आईसी लग चुकी है, थोड़ा सा हिलाया था मैंने आईसी को ताकि अच्छे से सेट हो जाए। हमने साफ़ कर लेंगे इसको, आप देख सकते हैं पूरा अच्छे से क्लीन हो गया है। और अब हम ऑन करके देख लेते हैं इसको। आपसे एक रिक्वेस्ट है, बस वीडियो को लाइक कर दिया करिए, एक कमेंट भी कर दिया करिए, इससे आपका फ़ायदा होगा, हमें भी फ़ायदा होगा, हमें वीडियो और अच्छे बनाने का मोटिवेशन मिलेगा। और अगर आप वीडियो लाइक करेंगे तो हम ऐसे अच्छे वीडियो बनाते रहेंगे। तो फोन देखिए अब ऑन हो चुका है। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।